नहीं, पहले पहले मुझे लगता है कि ये सारी चीजें तो है, ये तो कायदा कानून की बात हुई, लेकिन पहले महाराष्ट्र सरकार, ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या, यहीं से बात शुरू होती है। दूसरी चीज यही है कि जो किसानों की अभी अगर आप देखें तो हालात बहुत बुरे हैं, जिसे हम कह रहे हैं ओला दुष्काल, वो कहीं भी कुछ भी पैकेज नहीं गया है किसानों के लिए। महाराष्ट्र से 5 बड़े प्रोजेक्ट निकल के गए हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मैंने तो चैलेंज दिया सीएम को कि आओ सामने आओ प्रेस के और बताओ कि कैसे निकल गए। महाराष्ट्र कर्नाटक का ये जो अभी जो पूरा चल रहा है मामला, उस पर कोई कुछ बोल रहा नहीं है। तो मुझे लगता है कि पहले जो अभी के इश्यूज है उस पर बात हो, ये जो कानून है उस पर तो विधान भवन में बात होगी, जब पेश किया जाएगा तो उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले से ही माहौल बनाना, मुझे लगता है कि जो अभी के मामले है उस पर भी बात करना जरूरी है। आदित्य जी, शिवसेना हमेशा से हिंदुत्व के पक्ष में रही है, लव जिहाद को लेकर खुलकर बोलती रही है, सवाल क्लियर है कि क्या आप लोग इसका सपोर्ट करेंगे क्या? सवाल पहले तो उनसे पहले तो प्रपोजल क्या है, ये तो बिल पेश होने दो। सबसे अहम चीज यही है कि आज सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारे राज्य में ऐसे हजारों युवा है जिनके पास रोजगार नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे राज्यों में लाखों किसान हैं जो पिछले 2-3 महीनों में अगर आप देखें तो किसानों की आत्महत्या भी बढ़ती जा रही है, उसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सवाल यह है कि जो कर्नाटका बॉर्डर पे महाराष्ट्र के लोगों को जो सताया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, हमारी बसेस को तोड़ा जा रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, अगर आप देखें तो एक मंत्री ने एक महिला सांसद के बारे में जो भी बात कही है उस पर कोई कुछ एक्शन ली नहीं है। हमारे हिंदुत्व की परिभाषा ये है कि किसानों की मदद करो, अगर किसी के हाथों पे काम ना हो तो उसको काम दे दो, महिलाओं का अपमान ना हो, अत्याचार उन पे ना हो, किसानों पे कोई गलत बात ना हो, तो यही हमारा हिंदुत्व है। कर्नाटक सीमा विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, एमबीए के जो सांसद हैं उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की, अब कर्नाटक के सीएम का कहना है कि उनके भी सांसद जाकर गृह मंत्री से मुलाकात करके अपना पक्ष रखेंगे। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र बैकफुट पर है, महाराष्ट्र के जो नेता हैं मंत्री हैं वो अपनी बात सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं, या दोनों स्टेट में एक ही सरकार होने की वजह से कहीं ना कोई कोई इंटरनल वजह हो सकती है? फडणवीस साहब ने परसों एक बयान दिया था कि इसके पीछे छोटी सी साजिश है और वो साजिश का भी जल्दी खुलासा करेंगे। दुख की यही बात है कि दो राज्य जो भारत के ही है आपस में लड़ रहे हैं, लड़ना मुमकिन हो तो अगर सुप्रीम कोर्ट में तो केस जारी है वहां लड़ने चाहिए, क्योंकि बात साफ है। हम सोचते हैं कि वो हमारा एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया है, कर्नाटका की बात। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए एम न्यूज़, जेड न्यूज़, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।